मध्य प्रदेश में इस वर्ष विधानसभा चुनाव होना है। सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस। चुनाव की चर्चाएं अब तेज होती चली आ रही हैं। वहीं दोनों पार्टियों में सीएम फेस का भी पैच फंसा हुआ है। कांग्रेस के सीएम फेस को लेकर विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चंबल तक, मैं हूं आपके साथ पानवी ठाकुर। अब प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने भी इशारों इशारों में मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में मैराथन मीटिंग से लौटे गोविंद सिंह, जब मीडिया कर्मियों से सीएम फेस के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि लोग तो उनका भी नाम लेते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वे किसी पद के दावेदार नहीं हैं। ग्वालियर में गोविंद सिंह ने कहा कि वे कांग्रेस के नेता नहीं, कार्यकर्ता है। पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगी उसे निभाएंगे। उन्होंने कहा कि हर इलाके के लोग अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। छिंदवाड़ा के लोग कमलनाथ का नाम लेते हैं तो उनके समर्थक भी उन्हें इस पद पर देखना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है। कांग्रेस में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री रेडिडेंट घोषित करने की परंपरा नहीं है। मध्य प्रदेश में 150 सीटें जीतने के राहुल गांधी के दावे के बारे में पूछे जाने पर गोविंद सिंह ने कहा कि इस बार उनकी पार्टी की सरकार बननी तय है। कांग्रेस इतनी सीटें जीतेंगी कि कोई सिंधिया धोखाधड़ी करने की सोच भी नहीं सकेगा। ऐसा है, कुछ लोग हमारा भी नाम ले रहे हैं, जो जिसके समर्थक है वो उसकी बात करते हैं। भाई कैसे छिंदवाड़ा के लोग उनके रोजाना बैठने चाहते हमारा नेता बने। मैं नेता नहीं, कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता रहूँगा। ना मैं नेता था, ना हूँ, आगे हूँ। जो जिम्मेदारी पार्टी देती है उसको करने का प्रयास करता हूँ पूरा।